इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट गिर क्षेत्र में निवास करिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुंदर व्यवस्था होगी। देखिए कहां रहना चाहिए, शिव भक्त को भगवान शिव की नगरी में रहना चाहिए, काशी जी में रहना चाहिए, हरिद्वार रहना चाहिए, महाकाल क्षेत्र अवंतिका उज्जैन में रहना चाहिए, बाबा वैद्यनाथ धाम में रहना चाहिए। जहां शिव का क्षेत्र है, शिव भक्त को वहां आनंद पूर्वक रहना चाहिए। शक्त्योपासक को शक्ति क्षेत्र में, वान द्वारे हैं कहीं रहिए, राम भक्त को रामनगरी में रहना चाहिए, कृष्ण भक्तों को भगवान कृष्ण के परिक्षेत्र में रहना चाहिए। जिसकी जैसी अंतर स्थिति है उसको उसी प्रकार के क्षेत्र में रहना चाहिए। आप कहेंगे महाराज यहां रहे तो, अब कहीं जहां भेजा गया वहां रहिए, हृदय में जो भाव है उस भगवान की भक्ति करिए चाहे जहां रहिए। हाँ, जिस क्षेत्र में आपको भेज दिया गया वही क्षेत्र आपके भक्ति क्षेत्र है, उसमें उसी प्रकार का भाव रखिए। अब भगवान उदासीन व्रत लिए हैं, तपस्वी वेश लिए हैं, तप में लगना है, तो उनके लिए चित्रकूट क्षेत्र। अत्र याद मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। ये तपस्वियों का क्षेत्र है, इसलिए आपको तपस्या करना है उतर जाओ। गिरि श्रेष्ठ कामद गिरी को गौरव प्रदान करिए प्रभु। देखिए एक बात और अच्छी अद्भुत है, कई लोग बहुत अच्छी जगह का चुनाव करते हैं, हमको अच्छी जगह रहना है साहब, जगह सब अच्छी है। कई लोग ऐसे अद्भुत होते हैं, वो जहां रहते हैं वही जगह अच्छी बना लेते हैं। जगह अच्छी बुरी नहीं होती है, हमारी रिहाइश कैसी है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा व्यवहार विहार स्वभाव कैसा है, अच्छा बन जाएगा, दिव्य हो जाएगा, गुणानुवाद होगा भगवान का, क्षेत्र दिव्य हो जाएगा। गिरिश्रेष्ठ कामत जी को भगवान ने प्रतिष्ठा प्रदान की मुनिदेव की आज्ञा पर, चित्रकूट तीर्थ की अनेक भांति महिमा महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु को गाकर सुनाई। भगवान आगे बढ़े और चित्रकूट के पावन क्षेत्र वन प्रदेश का दर्शन करते 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 सरकार जब पहुंचे हैं कामद गिर के पश्चिम छोर पर, भगवान को क्षेत्र बहुत अच्छा लगा। मां मंदाकिनी की दिव्य धारा है बह रही है, सारे कलमशों का नाश करती है, आज भी धार मैया की कलकल छल छल चलती रहती है। लक्ष्मण जी से भगवान मंत्रणा किए, ये स्थान बहुत सुंदर होगा, यही रहा जाए भैया, साज सजाइए। चित्रकूट में भगवान का मन रम गया ऐसा जानकर विश्वकर्मा महाराज देवताओं को लेकर के कोल भील वेश में आए और भगवान के लक्ष्मण जी महाराज के रहने के लिए कुटियों का निर्माण किए। देखिए पंक्तियां, रम वो राम मन देवन चले सहित सुर कप
सरस्वती प्रधान सहित चित्रकूट के दिव्य क्षेत्र में देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा जी कोल भील वेश में आए और मेरे भगवान के रहने के लिए सुंदर कुटियां बनाए। कुटिया कई खंड की है, एक अंतःपुर, एक आंगन, एक परमात्मा का, एक बैठक का, एक मिलने का, एक सत्संग का, एक ललित लघु, एक विशाला और एक कुटी। लक्ष्मण पहाड़ी आजकल उसका नाम है, वहां लखनलाल के लिए विश्वकर्मा जी ने बनवाया। किसने बनाया? विश्वकर्मा भगवान ने बनाया। काहे का कलेश, काहे का दुख, काहे का तनाव? विश्वकर्मा जी जिन्होंने लंका बनाई थी, बाद में असुरों के विश्वकर्मा भय मय दानव, तो हनुमान जी जब लंका जला के आए थे तो मय दानव ने 5 मिनट में लंका फिर जैसी कर दी थी। देवताओं के आर्किटेक्ट उन्होंने आकर भगवान के रहने की कुटिया बनाई, सारी व्यवस्था वहां देवताओं को उपलब्ध नहीं, वो सारी रचना वहां उपलब्ध हो गई। ऐसी पर्णकुटी विश्वकर्मा जी ने बनाई। सेवक हैं लक्ष्मण जी, उनके लिए छोटी कुटी बनी। देखिए, सेवक को बहुत सारा सामान लेकर नहीं चलना चाहिए। सेवक को, जो सेवक है उसको बहुत सारा सामान लेकर नहीं चलना चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, वो आईपीएस अधिकारी है, तो एक बार मैं गया उनके यहाँ चाय पर, तो हम कहे भैया आप तो सामाने नहीं रखते हैं। कहीं महाराज जिसलिए नहीं रखते हैं, न जाने कब टेलीफोन आ जाए, सामान पैक करो, अब आपको अमुक जिला में जाना है। तो कम सामान सफर आसान, कहे हम गलत होने नहीं देते हैं, गलत करते नहीं, इसलिए हमारी पोस्टिंग तो 6 महीने में अदला बदली होती रहती है। अब तो बहुत सामान रखेंगे तो ट्रक लाओ, फलान लाओ, बेडिंग है बेडिंग, ये सोफा सब यहीं लगे रहते हैं, एक बेडिंग है, एक दो अटैची है, जय जय सीताराम, गाड़ी में डाले चले। जो सेवक किसका? समाज का, भगवान का। सामान कम है, उपयोग भर का होना चाहिए। जितने में सेवक की कार्य व्यवहार में कोई विघ्न न हो उतना सामान हो।
मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो दुइये कुर्ता धोती रखते हैं, प्रेस भी नहीं कराते, तकिया के नीचे रख के लगा के चल देते, बहुत लोग। राजतंत्र के मंत्री परिषद में भी ऐसे लोग हैं दो जने। अरे जय जय, कहने को तो जो चाहे कह लो, सब ठीक है। भगवान चित्रकूट के दिव्य क्षेत्र में वास कर रहे हैं, कैसे क्या कहें। लखन जानकी सहित प्रभु राजत सोहम दनु भगवान कैसे रहते हैं चित्रकूट में, जैसे कामदेव बसंत के संग में रति मैया को लेकर यहां वास कर रहा है। अनुभूति है अपनी अर्धांगिनी रति जी के साथ बसंत ऋतु को लेकर, जैसे कामदेव रहते हैं उसी प्रकार मेरे सरकार यहां रहते हैं। देवगण, किन्नर, सभी दिग्पाल, सब लोग चित्रकूट भगवान के इस दिव्य भाव का, स्वरूप का, इस आनंद का दर्शन करने आए। नर शरीर में प्रभु हैं, भगवान ने सबको प्रणाम किया। देवता लोग भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर गदगद होते, आनंदित होते। आनंद कानन के पुष्प की वृष्टि करके भगवान को सब प्रणाम कर करके और जा रहे हैं। क्यों? भगवान नरलीला कर रहे हैं, लेकिन देव तो समझ ही रहे हैं कि भगवान है। देवता आए क्यों? अपने काम से आए। जाते जाते देवताओं ने ये कहा, प्रभु अब बहुत विलंब नहीं, ये रावण का समाज हमको बहुत त्रास देता है, अस्तु ठाकुर कृपा करिए। भगवान आए ही इसलिए थे। भगवान ने वचन दिया, रावण की उम्र कुछ शेष है, जैसे ही समय पूर्ण होगा हम वहां तक उपस्थित हो जाएंगे। ये भी एक विलंब का कारण है, वरना भगवान तो अवतार लेते ही मां से पूछते हैं। चरित बहुत विधि की, पहला चरित्र जे ही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि सोमी तजहु तात यह अति प्रिय शीला यह सुख परमय। भगवान ने कहा, माँ मुझे बहुत चरित्र करना है, उसमें ये भी था रावण को मार दूं क्या? माँ ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अभी नहीं, समय से। माँ कभी नहीं चाहती है कि उसकी बच्ची, उसका बच्चा बड़ा हो। बाल लीला का जो आनंद है इसका माँ विस्मरण नहीं कर पाती।
इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।